हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि लास्ट के जो 2 मंथ बचे हैं अब आपके पास, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आपको 100% क्रैक करना है, अगर आप सीरियस हो एसएससी एमटीएस को लेके। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कई 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम की, बट वो क्रैक नहीं हो रहा है, तो वो एमटीएस निकालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक जॉब 100% सिक्योर करनी है इस बार, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। तो अभी आपके पास लगभग पूरे 2 मंथ हैं, अभी भी आप अगर सीरियस होकर पढ़ लेते हो तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट सिक्योर योर वन वैकेंसी इन एसएससी एमटीएस 2024। और देखो, इसमें मैं दो कैंडिडेट के लिए बात करूँगा, एक कैंडिडेट जो सिर्फ एमटीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होगी, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एमटीएस 2024 साथ में सीजीएल 2024 दोनों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो एमटीएस को भी टारगेट कर रहे हैं सीजीएल को भी टारगेट कर रहे हैं। मैं उन कैंडिडेट्स के भी लिए अलग, मतलब इसी वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग अलग होंगी। पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो सिर्फ एमटीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद इसी वीडियो में हम जो उनके लिए बात करेंगे जो दोनों पेपर को साथ में लेके चल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन्हें उनका जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर लेता हूँ या उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ जो सिर्फ टारगेट एमटीएस कर रहे हैं, उनका टारगेट इस बार सीजीएल नहीं है, उनका टारगेट ये है कि पहले मैं एमटीएस एक बार क्रैक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जॉब लेने के बाद जॉब में रह के मैं तैयारी करूँगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एमटीएस की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद आराम से तैयारी करने का आपको सफिशियंट टाइम मिलता है। अब मैं यहाँ पर जो एमटीएस की तैयारी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं 8 घंटे का शेड्यूल बताने वाला हूँ कि 8 घंटे आपको डे बाई डे कैसे देने हैं आने वाले 2 महीने। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये 8 घंटे आपके इफ़ेक्टिव 8 घंटे हैं, पढ़ना आपको 9, 10, 11 घंटा पड़ेगा तब ये 8 घंटे की इफ़ेक्टिव, मतलब इफ़ेक्टिव ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ के इतना कवर कर लोगे, आपको बैठना ज़्यादा होगा, बट 8 घंटे की मैं आपको इफ़ेक्टिव स्टडी बताऊंगा कि आप कैसे 8 घंटे में अपना जो हर दिन आप 8 घंटे पढ़ के 8-9 घंटे पढ़ के पेपर को क्रैक कर सकते हो अगर आज से भी आप सीरियस हो जाते हो इस एग्ज़ाम को लेके। देखो, सबसे पहले 1.5 घंटे जो कि इस पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सिलेक्शन के आपको बहुत ज़्यादा करीब लेके जाएगा, वो है वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी आपको 1.5 घंटे विदाउट एनी डाउट करनी है, आपको 1.5 घंटे 90 मिनट्स करनी है। 2 घंटे भी अगर आप करते हो, आधा घंटा और ज़्यादा देते हो तो इसमें कोई गलत नहीं दे रहे हो, वो इतना टाइम मांगती है क्योंकि आपको पता है 25 में से 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली या तो वोकैब आती है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इतने क्वेश्चन। और अगर आप वोकैब कर लोगे तो आप ऐसा नहीं है कि जीके नहीं है कि आप कितनी भी पढ़ लो, अगर आप वोकैब अच्छे से करोगे ना तो आपका हो जाएगा, मतलब आपकी पढ़ी पढ़ाई फंस जाएगी या ऑप्शन के हेल्प लेके आप वोकैब वाला जो क्वेश्चन होगा उसे अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि 10 में से 1 क्वेश्चन ऐसा हो जो ना कर पाओ, बट अगर आप वोकैब अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। देखो, अभी तक आपने कितनी वोकैब करी है, वो तो आपने करी ही करी है, साथ में आपको नई वोकैब याद करनी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको न्यू वोकैब याद करनी है, मतलब कि आपको हर दिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं तो बोलूँगा आपको 100 वोकैब डेली याद करना है नया, बट अगर आपकी कैपेसिटी 100 वोकैब याद करने की नहीं है तो कम से कम 50 वोकैब आपको न्यू याद करनी है। बट अपना टारगेट बनाओ कि यार 100 वोकैब एक दिन में करो, 20 वन वर्ड कर लो, 20 idioms कर लो, 20 synonyms कर लो, 20 anto कर लो, ऐसे कर लो, 80 कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपने अभी तक 1000-2000 याद की हैं वो आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये जो याद करोगे ये भी इकट्ठी होती जाएंगी, और जो पुरानी है आपकी वो भी इकट्ठी होती जाएंगी। वो इन दिनों में 4 दिन आपको रिवीजन देना है, क्योंकि देखो वोकैब आप पढ़ने को 12000 पढ़ लो 14000 पढ़ लो, बट आपको एट द एंड कितनी याद है पेपर के टाइम वो मैटर करता है, तो रिवीजन वोकैब का मस्ट नेसेसरी है। देखो, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा हर दिन, मतलब 3 दिन आप शुरुआत में नई वोकैब याद कर लो, अगर आपने बिल्कुल अभी वोकैब नहीं याद की है तो फिर आप 4 दिन नई वोकैब याद करो, 3 दिन रिवीजन करो। ठीक है, अगर आप पहले से वोकैब आपने 2000-1000 याद कर रखी है तो पहले 3 दिन नई पढ़ो शुरुआत के, फिर उसके 4 दिन आपको पुरानी रिवाइज करनी है, और हफ्ते के 7 दिन आपको वोकैब लेके चलना, वोकैब के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रख लो। ठीक है, सोर्सेस बता दूं, देखो जिन्होंने वोकैब बिल्कुल नहीं की है मैंने टेलीग्राम चैनल पर वोकैब डाल रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमटीएस के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च करो, सॉरी टेलीग्राम पे सर्च करोगे डीके
अग्रवाल, ठीक है, और एक बार अग्रवाल लगाने के बाद एक बार जीरो लगा देना तो चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऐप डाल रखी है, अगर आपने वो याद कर लिए तो उसके बाद ब्लैक बुक से याद करना शुरू कर दो। वन वर्ड से शुरू कर दो, 20 वन वर्ड डेली, 20 वन वर्ड करो, 20 साइनो करो, 20 सेंटो करो, इस तरह से आप डेली याद करना शुरू कर दो, ठीक है। या आपके पास ब्लैक बुक नहीं है, कोई ऐसी बुक है जिसमें SSC की प्रीवियस ईयर बुक ऐप दे रखी है, आप वो भी बुक रिकमेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक बुक नहीं है तो ख़रीद के लेके आओ। और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 घंटे आपको GK को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने GK, देखो अगर आपने GK बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है तो यार सिलेक्शन के कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। आपने ऐसा मैं नहीं मानता कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, जितनी भी GK पढ़ी है, GK का मैं एक आपको सीन बता देता हूँ कि GK पढ़ लेते हैं और हम डिफरेंट सोर्स से पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसे रिवाइज नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। आपने जो सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स पर विश्वास रखो, उस सोर्स पर अपना मतलब 100% ट्रस्ट रखो और उस सोर्स से ही अपनी GK कंप्लीट करने की कोशिश करो। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन 2 घंटे में आप रिवाइज करो, जितना ज़्यादा आपने अभी तक पढ़ रखा है उतना आप रिवाइज करो। सोर्सेज जैसे कि मैंने आपने SSC परमार से पढ़ना है, जो कि मैंने आपको पहले एक बार रिकमेंड किया था, इन सर का नाम, अगर आप इनसे पढ़ रहे हैं, इनके जो नोट्स हैं वो आप PYQ सीरीज़ देखिए या FRB सीरीज़ देखिए, कोई भी सीरीज़ देखिए आपने या इनके बैच ले रखा है, वो नोट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। 1 से 2 घंटा डेली अपना रिवीजन को दो GK का। या आप अगर लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से रिवाइज करो, या आपके खुद के नोट्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं वहाँ से रिवाइज करो, जहाँ से आपको रिवाइज करना है करो, लेकिन 2 घंटे सिर्फ GK का रिवीजन पे दो अपना। और देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टैटिक GK आप बहुत अच्छे से करो, फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक GK, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये ऐसे आपका टारगेट है, फोकस ऐसा होना चाहिए कि स्टैटिक GK का कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। डांसर्स, इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ये सारी चीज़ें। और स्टैटिक GK में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, वो स्टैटिक GK बहुत अच्छे से कवर कर लो, हिस्ट्री अच्छे से कवर कर लो, पॉलिटी अच्छे से कवर कर लो, ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लो, बायोलॉजी अच्छे से कवर कर लो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से आप केमिकल फार्मूला याद कर लो, ठीक है, और एसिड बेसिस सॉल्ट वगैरह 2-3 चैप्टर और इम्पोर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ GK, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ GK बाय DK अग्रवाल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर SSC MTS GK और वाई DK अग्रवाल, अगर ये सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे स्टैटिक GK में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं, ये सारे मैंने उस वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हो जाके, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लो और आपको खुद को पता है कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक कवर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप वो वीडियो जाके देखो, लेकिन आपका जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए कि स्टैटिक GK के पे सबसे ज़्यादा फोकस, फिर हिस्ट्री पे फोकस, फिर पॉलिटी पर, फिर ज्योग्राफी पर, फिर बायोलॉजी पर, फिर केमिस्ट्री पर, फिर फिजिक्स पर। इस तरह से आपको GK पढ़नी है और डेली 2 घंटे रिवाइज करना है। अगर आपके पास ज़्यादा नोट्स नहीं है, ज़्यादा रिवीजन करने को नहीं है, तो इसमें ऐसे कर लो कि 1 घंटा रिवाइज, 1 घंटा आप नया पढ़ लो। बट अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, 1 साल हो गई, 6 महीने हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, या 2-3 महीने पहले मैंने जो आप स्ट्रेटजी बताई थी उसको फॉलो करके आप SSC परमार सर के नोट्स बना रहे थे या लूसेंट से पढ़ रहे थे, तो उसको रिवाइज करना मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो एक डाउट और क्लियर कर दूँ, जिनको ऐसा लगता है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया MTS का, तो पेपर डिले होगा, पेपर आपका अगस्त में हो जाएगा SSC MTS का, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, वरना आप पढ़ाई धीरे धीरे स्लो पेस हो जाएगी और फिर दिक्कत आएगी आगे चल के। और उसके बाद 2 घंटे आपको फुल मॉक टेस्ट को देने हैं, ठीक है। मैंने ये 8 घंटे ही काउंट करे हैं। अब देखो 1.5 घंटे का मॉक, जो कि आप बहुत 1.5 घंटे से पहले ही ख़त्म कर देते हो, ठीक है, फिर भी मैंने 2 घंटे लेके चलाया कि 2 घंटे में बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक दिन आप क्या करो, एक नया फुल मॉक दो, एक दिन PYQ दो, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दो, एक दिन नया मॉक दो, ठीक है। आप टेस्ट बुक पर दे रहे हो, ऑलिव बोर्ड पर दे रहे हो, जिस पर दे रहे हो उस पर दे सकते हो, एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर दो और एक दिन नया मॉक टेस्ट दो, ठीक है, अल्टरनेटिव बेसिस पर। और जो मेन फोकस होना चाहिए वो मॉक देने पर नहीं, क्योंकि इसमें देखो मैथ और रीजनिंग तो वैल्यू नहीं रखती हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करनी है या सब चीज़ें इंप्रूव करना है। आपका टारगेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए एनालिसिस करने पर, कि अगर आप इंग्लिश में गलती कर रहे हो तो किस चैप्टर से कहाँ पर गलती कर रहे हो, वो कैप ज़्यादा गलत हो रही है, या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, रूल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। अगर रूल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं
करें तो आप रूल पढ़ना शुरू करो, ठीक है। आप नीतू मैम की एक वॉल्यूम 1 है वो ख़रीद लो, वहाँ से रूल पढ़ लो। यूट्यूब पे एक 60 रूल्स बाई रानी मैम करा रखा है, वो वीडियो देख लो, बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट रूल करा रखे हैं, 60 रूल हैं, रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप एक बार जाके रिकमेंड, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। और फोकस आपका मेन एनालिसिस पर ही होना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स पे, स्ट्रॉन्ग पे, कि अगर आपको पता है कि आपकी अगर आपने 10 पेपर लगा लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, उस चीज़ पे कम फोकस करना। आपको पता है आपकी वीकनेस कहाँ पर है तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है हम वही पढ़ रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपनी वीकनेस पर काम करना है। आइदर वो आपको पढ़ना पसंद है, बहुत सारे बच्चों को जो हिंदी मीडियम के होते हैं उन्हें बुकैप पढ़ना पसंद नहीं होता, उन्हें डर लग रहा होता है बुकैप से, लेकिन भाई अगर आप MTS में आए हो, ठीक है, आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो फिर, अगर आपको डर ही लग रहा है। यार डर लग रहा है तो करना ही नहीं चाहिए, अगर आप अपना टाइम भी दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को या तो टाइम मत दो, आप 2 मंथ ही क्यों दे रहे हो, या आप अपना दिन का 1 मिनट भी क्यों दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, अगर दे रहे हो तो ईमानदारी से दो। बुकैब हुआ नहीं है यार, इंग्लिश मीडियम वाले कोई भगवान नहीं होते, ठीक है, उनको कुछ भाई इंग्लिश मीडियम जस्ट हमारे दिमाग में वैसी साइकोलॉजी सेट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से पूछ लेना, ठीक है, मैं कौन सा, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी बुकैब याद है, भाई मुझे भी याद करनी पड़ती है, मैंने भी याद करी है, तो ये चीज़ याद रखो, ये गलती निकाल दो। किसी और से भी पूछ लेना यार, बुकैब वुकैब किसी को याद नहीं होती, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, आइदर आप हिंदी मीडियम से हो आइदर इंग्लिश मीडियम से। रूल नहीं आते तो रूल बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और बताऊँगा कि कैसे आपको करना है, आगे चलते हैं। आपको 30 मिनट, अभी 2 मंथ हैं, 30 मिनट आपको करंट अफेयर डेली देने ही देने हैं, ठीक है, करंट अफेयर आपको 30 मिनट देंगे डेली, आज से ही जब से आप वीडियो देख रहे हो 30 मिनट आपको करंट अफेयर देनी है। सोर्सेज बता देता हूँ, शुभम जैन सर ने एक टेलीग्राम है उनका, RBE चैनल का नाम है, अगर वो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है आप, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उनकी सेम PDF डाल रखी है करंट अफेयर की, वहाँ से पढ़ सकते हो, बट मेरा रिकमेंड है स्पीडी की करंट अफेयर आती है, ठीक है, ये ले आओ और 30 मिनट डेली दो। और देखो जैसे मैंने एक बात बताई थी कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी GK के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से SSC सवाल पूछता है, तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो सच में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट अफेयर में सबसे पहले कौन से टॉपिक आपको ख़त्म करने हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक से ज़्यादा पूछता है SSC क्वेश्चन, तो और भी मैंने उसमें बता रखे हैं। और फिर आप लास्ट के कितने मंथ की करंट अफेयर करनी है, देखो मैं चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ कि लास्ट आपको पहले कैसे करना है। अगर आपका अगस्त में पेपर है ना, ठीक है, आपको अगर अगस्त के शुरुआत में पेपर होगा तो आपका जुलाई की करंट अफेयर नहीं आएगी, आपकी जून की आएगी, तो आपको जनवरी से जून की करंट अफेयर तो करनी है, ये 6 मंथ की हो गई। साथ में आपको जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, मतलब बेसिकली आपको, मैं अलग से बता देता हूँ कि कितनी करंट अफेयर करनी है, मैंने ये तो बता दिया, सोर्स बता दिया आपको, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी करंट अफेयर करनी है। आपको जुलाई 2023 से लेके आपको जो करनी है जून 2024 तक करनी है। आपका पेपर अगर अगस्त के शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, अगर तब होता है तो, ठीक है, आपको यहाँ तक करंट अफेयर। और आप कैसे करोगे ये भी बता दूँ, टॉपिक वाइज भी करनी है और मंथ वाइज भी करने हैं, ठीक है, स्पीडी में पीछे मंथ वाइज दे रखे हैं, आगे टॉपिक वाइज दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करने ही करने हैं आपको, साथ में मंथ वाइज भी करनी है, और मंथ आपको पीछे से स्टार्ट करना है, पहले जून का करना, फिर मई का करना, फिर अप्रैल का, मार्च का, ऐसे वापस पीछे 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 ऐसे जाके करना है, क्योंकि इन पर जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसे अच्छे से याद करना, और जो चीज़ पहले पढ़ी जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम रिमेंबर कर पाते हैं, उस पर ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती है। उसके अलावा ये करने के बाद आपको 1 घंटा अपने सेक्शनल टेस्ट को देना है। इसमें आप 3 इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट, 2 GK के सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, इसमें 3 इंग्लिश के CGL के उठा लो 2023 वाले, ठीक है, 2023 के PY की उठा लो और सारे ख़त्म कर दो। आप ये मत माइंडसेट बनाओ कि यार MTS का पेपर दे रहा हूँ, CGL सेम इंग्लिश आती है, कोई फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा तो छोड़ो, आप अगर MTS के PY की लगाना चाहते हो MTS के PY की लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और 2 GK के लगाओ और अच्छे से एनालिसिस करो। आपको 1 घंटा या 1.25 घंटा इसमें लगेगा, मोस्ट ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको 1 घंटा एक दिन GK पढ़नी है, ठीक है, 2 घंटे हम पहले GK पढ़ चुके हैं, 1 घंटा अगले दिन मतलब उसी दिन GK पढ़नी है और 1 दिन इंग्लिश पढ़नी है, मतलब ऐसे 1 दिन 2 घंटे एक बार एक हम GK पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्या करना है, 1 घंटा एक दिन GK, 1 घंटा एक दिन इंग्लिश, तो मतलब 1 दिन तो GK आपको 3 घंटे पढ़ोगे,
इसमें अलग से अपना मॉक के अलावा, और एक दिन जीके आप 2 घंटा पढ़ोगे, और इंग्लिश 2 दिन में 1 घंटा पढ़ोगे। 2 दिन में 1 घंटा इंग्लिश के रूल्स पढ़ लोगे ना, बहुत सफिशियंट है, ठीक है। अल्टरनेटिव बेसिस पे करने हैं। अब मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ कि कितना टाइम हो गया आपका, मतलब कितना टाइम मतलब कितना क्या घंटे हो गए। देखो 1.5 मतलब 1.5 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा, 3.5 घंटे हो गए आपके, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे और 30 मिनट, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे और 1 घंटा यहाँ पर, 7 घंटे, 7 और 1 घंटा यहाँ पर आपके, 8 घंटे का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। अगर ये आने वाले टाइम में आपने दो मंथ फॉलो कर लिया, आपका नसीब में नहीं होगा, देखो नसीब बेस्ड MTS हो गया, ये भी हमें माननी पड़ेगी, बट अगर आपने इतना करा तो आप पेपर के 90% क्लोज पहुंच जाओगे, ये ध्यान रखो। अब तक हमने उनकी बात कर ली जो सिर्फ MTS को फोकस कर रहा है, अब आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो MTS प्लस CGL दोनों को फोकस करेंगे, उनका टाइम टेबल कैसा और होना चाहिए। तो देखो MTS प्लस CGL को फोकस करने वाले हैं कि जो मैंने टोटल स्टडी टाइमिंग रखी है वो 9 घंटे के हिसाब से उनका शेड्यूल बनाया है, जैसे सिर्फ MTS की तैयारी करने वालों का 8 घंटे का है। सबसे पहले आपको वोकैब पढ़नी है। मैं ये मान के चलूँगा कि अगर आप CGL साथ में लेके चल रहे हैं तो आप बिगनर तो नहीं हैं, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अगर आप CGL साथ में लेके चल रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं हैं, तो आप ये आइडिया यहीं पर ड्रॉप कर दो। CGL साथ में अभी लेके मत चलो, पहले MTS दे लो अच्छे से, फिर उसके बाद CGL करना, ठीक है। MTS देने के बाद भी CGL में 1-2 मंथ बचेगा, लेकिन आप पहले 6-7 महीने से पढ़ रहे हो, अगर मैं ये मान के चलूँगा, तो देखो आपको वोकैब भी याद होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम आपका कम कर दिया। आपको वोकैब 1 घंटा पढ़नी है डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन नहीं पढ़नी है न्यू, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है। मैं सोर्स ब्लैक बुक ही बताऊँगा कि जो आपका सोर्स है किस किताब से पढ़नी है, ब्लैक बुक से, ठीक है, जो कि सिर्फ जो MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेम रहेगा सोर्स। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं 1.5 घंटे का। देखो एक सेक्शनल टेस्ट मैथ का PYQ लगाना है, ठीक है, 2022 के लगा लो, 2021 के लगा लो, जिसके आप लगाना चाह रहे हो वो लगा लो। आपको कैसे लगाना है, दो मैथ के, एक मैथ का सेक्शनल टेस्ट 20 मिनट का होता है, 2 40 मिनट के हो गए, और रीजनिंग का 18 मिनट का होता है। अगर मैं टोटल लगाता हूँ तो ये 58 मिनट हो गई, साथ में इतने में ये टाइम लगेगा आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने में, और बाद बाकी का जो 30 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दिए, मतलब 1 घंटा ये और 30 मिनट एक्स्ट्रा, वो मैंने जैसे आप 20 में से 25 में से अगर 22 क्वेश्चन करते हो या 20 क्वेश्चन सही करते हो तो जो 5 क्वेश्चन को समझने में टाइम जाएगा उसके लिए मैंने आपको एनालिसिस करने के लिए 30 मिनट दिए हैं। तो इसलिए आपके सेक्शनल टेस्ट को मैंने 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में आप बहुत आराम से कवर कर लोगे, तो इसीलिए पूरा टाइम दिया है। ऐसे नहीं है कि अगर 1 घंटे का सेक्शनल टाइम है तो मैं एनालिसिस का टाइम ही नहीं लिख रहा हूँ और आपका 9 घंटे का शेड्यूल 15 घंटे में ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 1.5 घंटे में आराम से 2 सेक्शनल टेस्ट मैथ के लगा सकते हो, रिवाइज एनालिसिस कर सकते हो, 1 रीजनिंग का लगा सकते हो और रीजनिंग का आराम से एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही में GK आपको नई पढ़नी है, कोई नया टॉपिक नई सोर्स से, जैसे कि लूसेंट से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी सर के नोट्स से पढ़ रहे हो, वो 1 घंटा न्यू GK पढ़नी है। फोकस सेम रहेगा, पहले स्टैटिक GK अच्छे से कवर करनी है, हिस्ट्री कवर करनी है, उसके बाद पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है। मतलब ये अगर आपने शुरुआत वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको स्टैटिक GK कवर करना है अच्छे से, फिर उसके बाद, मतलब ये मैंने ऐसा सीक्वेंस दिखाया कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर GK होनी चाहिए, स्टैटिक GK, फिर हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये टॉप प्रायोरिटी से लेके लीस्ट प्रायोरिटी तक मैंने आपको लिख दिया है। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं 1.5 घंटे दोबारा से, 4 इंग्लिश के लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट PYQ होंगे, ठीक है, PYQ आप किसी के भी लगा लो, CGL के लगा लो, CHSL के लगा लो, किसी के भी लगा लो, MTS के लगा लो, ठीक है, और 2 GK के लगाना है। और फोकस आपका एनालिसिस पे होना चाहिए, जैसे कि अगर इंग्लिश में हम क्या करते हैं मैं बताऊँ, हमने कोई ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन किया, जैसे 4 पार्ट में वो क्वेश्चन डिवाइड है, A, B, C, D, कभी कभी क्या होता है कि बी पार्ट में एरर मुझे लगा और मैंने बी पार्ट लगा दिया, लेकिन उसका जो मैंने सोचा था वो एरर नहीं था, एरर कुछ और था, उसमें कुछ और गलती थी, ठीक है। जैसे कि मैं आज बता देता हूँ अपना, मैं एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगा रहा था और वहाँ पर मैं मुझे लगा कि ब्रिंग्स आएगा, लेकिन वहाँ पर ब्रॉथ आया, मतलब उसकी सेकंड फॉर्म आई और मैं वहाँ पर ब्रिंग था, तो मैं सोचा था ब्रिंग्स आएगा, मेरा आंसर तो सही गया बट
मेरा जो सोचने का तरीका था, जो मैं सोच रहा था ये गलती है वो नहीं गई, तो ऐसे आपको इंग्लिश के चारों टेस्ट अच्छे से एनालिसिस करने हैं। आपको अपनी वीकनेस पहचाननी है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे, आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, और वहाँ उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। वोकैब बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वोकैब इम्प्रूव करनी है आपका। अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, रूल बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको रूल्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसे ही जीके, जब जीके देखो दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। तो आपका एनालिसिस पर बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। फिर साथ ही में 1 घंटे, जैसे मैंने पहले बात कर चुके थे कि जीके पढ़नी है नई, और 1 घंटे जीके आपको जो आप पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करनी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक फुल मॉक टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है। अगर आप मैथ वगैरह का किसी का बैच ले रखा है तो आपको 1 दिन मैथ की क्लास देख लो, 1 दिन फुल मॉक लगा लो, ठीक है। और 1.5 घंटे लगेगा, चाहे तुम क्लास देखो किसी टीचर की या फुल मॉक लगाओ, और ये अल्टरनेटिव बेसिस पे करो। अगर आप किसी की क्लास नहीं देखते तो मेरा रिकमेंड है कि डेली एक फुल मॉक लगाओ, 1 दिन फुल मॉक लगाओ और 1 दिन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाओ। और देखो सैटरडे संडे को CGL का लाइव मॉक आता ऑलिव बोर्ड पर, ठीक है। ये ऑलिव बोर्ड पर आप लाइव 1 दिन मॉक लगाओ, ठीक है। ये आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिलेबस मैथ का कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस भी कंप्लीट करना जरूरी है, तो शुरुआत में मैथ पे ज़्यादा फोकस करो, थोड़ा मॉक अल्टरनेटिव बेसिस पे लगा लो, या अपना स्टडी टाइम 1 घंटे से बढ़ा लो। इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 30 मिनट डेली कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में प्लस माइनस गुणा भाग, आपको टेबल, ठीक है, आपको क्यूब 30 तक, आपको स्क्वायर 50 तक, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, जो ये होते हैं, ठीक है, 8, 15, 17, ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। साथ ही में 30 मिनट आपको फार्मूला रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं सोर्स बता देता हूँ, गगन प्रताप सर की एक मैथ कंसेप्ट की बुक है, वो मंगा लो, ठीक है। उसकी PDF चाहिए तो उनके टेलीग्राम चैनल पर PDF है, अगर आपके पास लैपटॉप है। वहाँ से 30 मिनट डेली, जैसे 1 दिन मेंसुरेशन के फार्मूला रिवाइज कर लिए, 1 दिन ज्योमेट्री के फार्मूला रिवाइज कर लिए, 1 दिन परसेंटेज के चैप्टर के देख लिए, ऐसे हर दिन 30 मिनट आपको फार्मूले को 100% देनी ही देनी है। ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अब मैथ की देखो टोटल प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो आप 4 मॉक लगाओगे, 4 सेक्शनल लगाओगे, 100 क्वेश्चन वहाँ से लगा लोगे, 1 फुल मॉक लगाओगे, 25 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, ठीक है। और साथ में 125 क्वेश्चन डेली लगाओगे अगर आप, और 30 मिनट कैलकुलेशन करोगे और फार्मूला रिवाइज करोगे, क्या आपका मैथ इंप्रूव नहीं होगा? और अगर आपके पेपर में अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है, 3 महीने, ठीक है, आपका पेपर सितंबर अक्टूबर में जाके होगा, तो इतना डेली करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, इतना करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उसके अलावा 30 मिनट आपको इंग्लिश रिवीजन देनी पड़ेगी, और ये नीतू में आप अपने नोट से पढ़ सकते हो, या नीतू मैम की Volume 1 की एक बुक है इंग्लिश की काफ़ी अच्छी, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए था जो MTS और CGL दोनों को साथ में टारगेट लेके चल रहे हैं। अब आप देख लो, ठीक है, मैं यही कहूँगा, अगर आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, आप वीक हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ MTS को फोकस करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है आप बेसिक बिगनर हैं लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, तो आप दोनों को टारगेट करके चलो अभी से, और दोनों निकल जाएंगे आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेफ्री होके पढ़ाई करो, डेली पढ़ो, 9-10 घंटे डेली दो पढ़ाई। देखो बैठना पढ़ने के लिए आपको 12 घंटा डेली पढ़ना बैठना पड़ेगा, लेकिन 12 घंटे पढ़ोगे तब 8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई आएगी। मैंने ये 8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई, वो इफेक्टिव पढ़ाई है जिसमें 8 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, अगर कोई डाउट है, अगर वीडियो में मेरा कोई रिकमेंडेशन आपको गलत लग रहा है, आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।